So, hello everyone. I think you all know that, a few days back just ES result has came out, and this time so many students got selected from IAS Master, and we have already interviewed few of them. It is a very happy moment for the student as well as for us. Now here with us, one of the best opportunity who grabbed, Sudhanshu. He grabbed second rank in engineering services. So we congratulate him first of all from whole team of the IAS Master, and at the same time we will share his thoughts and his experience on ES preparation. So hello Sudhanshu. Hi sir, first of all thank you sir. Yeah, many many congratulations from us, from our team of IAS Master. Thank you sir, thank you. Thanks a lot भाई for your ये warm तो message. यस एक्चुअली ये तो मुझे लगता है सेकंड रैंक इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू हैव अचीव्ड, इजंट इट? Yes sir. I have done my BTech from IIT Delhi. I have even qualified GATE, but this is the best achievement I have got till. And yes, it is a good experience. यस पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि सेकंड रैंक आने के बाद में तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा आपका. सो व्हेन यू एक्चुअली हर्ड अबाउट दैट, व्हेन यू हैव सीन दैट यू गॉट अ सेकंड रैंक, then what was your reaction and what was your feeling about this? मेरा प्रीलिम्स बढ़िया हुआ था. मेरा प्रीलिम्स काफी अच्छा हुआ था मतलब, पर मेंस और इंटरव्यू में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था मतलब खुद से. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रैंक, पर मैं टॉप 10 में टू बी श्योर मुझे लग नहीं रहा था कि शायद आए ना आए. तो जब अच्छा मेरा रैंक आया तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, पर मैंने स्टार्टिंग में नहीं देखा कि मैंने टॉप 10 में देखा भी नहीं कि मेरा आया है कि नहीं आया है. तो फिर अच्छा जब मैंने नंबर सर्च किया सेकंड आया, और अभी मैं बिहार से हूं तो मैं घर पे ही था छठ में. तो ये बहुत ही मतलब भगवान की कृपा से काफी अच्छा हुआ, मैं घर पे ही था तो एक मतलब काफी अच्छा मोमेंट हो गया, घर वाले खुश हैं काफी. तो यस अच्छा है. तो तुम बिहार से हो, और दैट इज कोइंसिडेंट दैट आई एम नाउ इन बिहार. सो यस इट सर ने बोला पटना में है. अभी ये जो रैंक आया सेकंड रैंक, तो ऐसा नहीं हुआ यस कि सर पहली बार में देखा और बिलीव ही नहीं हुआ कि यार सेकंड रैंक, समथिंग सेम लाइक सर, दैट? मैंने अपने एक्चुअली मैंने अपने दोस्त को अपना एडमिट कार्ड और रैंक दोनों भेजा कि एक बार कंफर्म करो कि मैं ही हूं कि नहीं. मुझे खुद से ही मैं विश्वास था, पहली बार में नहीं हुआ फिर. पर ये हाँ काफी सरियल एक्सपीरियंस था. और मतलब ठीक है, थोड़ा मेहनत पड़ा मुझे, मेरे मेरे बीटेक किया 5 साल हो गए, पर ठीक है थोड़ा सा मेहनत पड़ा पर अच्छा है. नहीं, बेसिकली मेहनत सुधांशु हमने पहले भी बहुत देखा हुआ है, वी हैव एक्सपीरियंस एंड आई नो नाउ यू हैव आल्सो वेरी एक्सपीरियंस, कि एक बार यस में बहुत रेयर चांस होता है कि यू विल ग्रैब द वेरी टॉप क्वालिटी ऑफ द रैंक, सर, दिस वाज माय कम होते थर्ड, दिस वाज हैं. माय थर्ड अटेम्प्ट, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. यस आई हैव क्वालिफाइड फॉर मेंस वंस एंड देन इन लास्ट ईयर 2021 आई हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू टू. आई हैव गिवन इंटरव्यू बट आई डिडंट गेट सिलेक्टेड, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. प्रोसेस थोड़ा लंबा था पर ठीक है. तो ईएस के अलावा और कोई एग्जाम नहीं दिए थे क्या? सर अभी मैं आईओसीएल में हूँ, मथुरा रिफाइनरी में. लास्ट ईयर मैंने गेट क्वालिफाई किया था 16th रैंक, तो इस साल ओके, मैंने सो ईएस ही ऑलरेडी दिया. लास्ट टाइम. ओके ओके, यानी गेट में आईसीएल ज्वाइन करने के बावजूद यू हैव नॉट गिवन अप, राइट? इट वाज माय मोटो टू गो फॉर ईएसई एंड आल्सो सिविल सर्विसेज. आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. ओके, दैट्स ग्रेट. तो एक मुझे पहले तो ये बात बताओ कि क्या हो गया, गेट में मिल गया था आईओसीएल, देन स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईएस, व्हाट वाज द रीजन? सर आई थिंक आईओसीएल इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा है, पर इन ईएसई का सबसे बड़ा जो फायदा है कि ये टेक्निकल सर्विसेज है रिलेटेड टू कोर. आईओसीएल इज गुड बट इसका जो कोर है वो केमिकल से रिलेटेड है. और मतलब मुझे लगता है कि जितना स्कोप सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोर में, मैंने एक्चुअली मेरा शुरू से ये था कि या तो मैं सीएससी में जाऊं या फिर कोर में रहूं. मैंने इसलिए अपना ऑप्शन भी सिविल इंजीनियरिंग ही लिया था. तो मुझे लगता है कि एज ए सिविल इंजीनियर ईएससी प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटी देन आईओसीएल. आईओसीएल इज अ गुड गेट ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स ओन रिगार्ड, बट एज अ सिविल इंजीनियर ईएससी प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटी. ओके, अच्छा एक छोटा सा हमें एक ब्रीफ में बताओ कि ये जो प्रिपरेशन की जर्नी रही है, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, और क्या यस प्रिपरेशन सर किए, कैसे किए, समथिंग अबाउट लाइक ऑल टिल सक्सेस व्हाट यू हैव डन हियर. सर मैंने बीटेक क्वालिफाई किया 18 में. तो मेरा उसी टाइम से प्रिपरेशन था का था, पर मुझे ऐसा था कि मुझे जॉब के साथ प्रिपरेशन करना है मतलब थोड़ा, मुझे मतलब फाइनेंशियली भी था ऐसा कि मुझे साथ में नहीं कर सकता. तो मेरा पीडब्ल्यूसी में सिलेक्शन हुआ था,
कंसल्टिंग कंपनी है प्राइस वाटर उसके ऊपर, तो वहां पर मैंने एक साल काम किया, पर वहां पर थोड़ा वर्कलोड था, मतलब साथ में प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने रिस्क लिया कि ठीक है छोड़ देते हैं। पर उसी टाइम मैंने 19 के लास्ट में छोड़ा, और फिर नेक्स्ट ईयर कोविड थी, तो उस टाइम मुझे 2020 में काफी थोड़ा झेलना पड़ा था, क्योंकि जॉब भी मैंने छोड़ दिया था, तो सर जॉब भी मैंने छोड़ दिया था और कोविड भी आ गई थी, तो सारे एग्जाम लेट हो गए थे। ओके, तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा हुआ था, और उस टाइम मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आया था कि मैंने गलत टाइम पर जॉब छोड़ा, ये किया, पर फिर मैंने अपना तैयारी कंटिन्यू रखा, और 2021 में मेरी गेट में 380 रैंक थी, पर उस टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ सिली तो था जो मेरे से हो गया, नहीं हुआ। लास्ट ईयर मेरी 16th रैंक आई, और इस साल तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और हाँ, बीच में सर फ्रस्ट्रेशन तो आया थोड़ी सी, कई बार आई है मेरे साथ, क्योंकि मेरा ऐसा रहा कि मैंने बीच में भी कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, जैसे मैंने फ्रीलांस स्टार्टअप में फ्रीलांस टाइप का जॉब करते साथ में तैयारी किया, तो थोड़ा सा आया, पर मेरा मेरे लगता है कि एक तो फैमिली थोड़ी सपोर्टिंग होनी चाहिए, फैमिली मेरे काफी हेल्प किया, मतलब ठीक है मैं थोड़ा सा, और दूसरा जो फ्रेंड सर्कल, तो मतलब था कि मतलब दोस्तों ने काफी मोटिवेट किया ये करके, मतलब और मुझे भी था मोटिवेशन कि मुझे करना ही है, इधर कोर में ही जाना है और अच्छी जगह जाना है, तो वही कंटिन्यू रखा। कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो डिमांड करते हैं यूपीएससी के सर्विसेज, जो सबसे ज्यादा चीज डिमांड करती है वो थी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा मतलब टाइम लगे, पर वो चीज डेली होना चाहिए, मतलब रिविजन डेली होना चाहिए, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है डेली होने चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने कंटिन्यू किया और वही लास्ट में थोड़ा सा फायदा किया मुझे। अच्छा, एक एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि भाई ये IUCL का जॉब करते हुए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईएस, तो टाइम कैसे निकालते थे, कितने घंटे में, मुझे दोनों बातें जाननी है कि कैसे प्रिपरेशन में कब कहां पे आपने पूरा छोड़ के जॉब तैयारी किया, और जॉब करते हुए आपने कितना फिर घंटा प्रिपरेशन करते थे, कैसे मैनेज कैसे करते थे टाइम। सर जैसे मैंने 2020 और 2021 में घर से ही थोड़ा सा जॉब किया था, पर वो मतलब फ्रीलांस टाइप का था मैंने, तो उसमें मुझे टाइम मिलता था अच्छा खासा, तो मेरा ये था कि मेरे लिए IUCL ज्वाइन करने से प्लस पॉइंट, एक मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मेरे बेसिक कंसेप्ट मतलब क्लियर थे एटलीस्ट फॉर द एग्जाम बैठने के लिए, तो मुझे ऐसा था कि जीरो से नहीं स्टार्ट करना है, रिविजन करना है। हाँ, IUCL में और मैं अभी रिफाइनरी में हूँ, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, 6 डे वर्किंग है और 8 to 5 जॉब है, वो भी लेट ही हो जाता है आने में 6-7, तो मुझे ऐसा था कि थोड़ा सा वही है कि मैनेज करना पड़ता है। जैसे मैंने प्लान किया था कि मेरी 8 बजे ऑफिस है, तो मैं सुबह में 2 घंटे निकालू और शाम में 2-3 घंटे निकालू, मतलब डेली एटलीस्ट 5 to 6 आवर, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं था। और मेरा मेन फोकस ये था कि एटलीस्ट हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे निकालू, मतलब ऐसा ना हो कि कभी कभी ऐसा आता है कि हमारे यहाँ भी मतलब काम बढ़ जाती है तो इतने टाइम नहीं मिलते, आने में लेट हो जाता है, पर ऐसा ना हो कि कुछ भी ना कर पाए, एक हफ्ते पढ़ाई छोड़ दी वैसे ना हो, क्योंकि उसमें रहता है कि जब आप जॉब में हैं तो एक सबसे बड़ा चीज ये आती है कि नई चीजें भी सीखनी पड़ती है जॉब के लिए, और दिमाग की भी अपनी एक लिमिट होती है कि आप अगर कुछ नई चीजें सीख रहे हो तो पुरानी चीजें भूलने लगते हैं, तो उसको छोड़े ना, तो वो मैंने थोड़ा सा मेंटेन रखा कि मुझे एटलीस्ट हर दिन 3 से 4 घंटे निकालने हैं। और दूसरा जो मैंने ये किया कि मैंने थ्योरी रिविजन से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि मुझे एक ना एक चीज को थोड़े से कम करना था, मुझे ऐसा लगा कि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करूंगा तो साथ में थ्योरी रिविजन भी होगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3 साल के उसमें, कि जो मुझे इस बार थोड़ा सा बेटर स्कोर कराया वो यही था कि मैंने इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा किए थे, हर बार मेरा ऐसा था कि मैं पहले थ्योरी पूरा कर लूँ उसके बाद, और उसमें थोड़ा टाइम निकल जाते, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि थ्योरी आपने एक बार किया, अगली बार फिर से रिविजन, तो लगा कर ये चीज मेरा छूटा हुआ है तो फिर से पढ़ लेता, तो मैं ये फ्यूचर में भी जो एस्पिरेंट्स इस बार दे रहा हूँ उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि करना है हर बार रिवीजन करना है, पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना, और खास करके प्रीवियस ईयर। ओके, जब मेरा प्रीलिम्स हुआ था और मेंस के बीच में मैंने पूरे उसमें एक ही चीज किया था कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने थ्योरी काम भर पढ़ ली है प्रीलिम्स तक ही, तो अब मुझे और उतना टाइम मिल नहीं रहा था कि मैं उसमें साथ में तैयारी भी करूं, मतलब पूरा रिवीजन भी करूँ और ये भी, तो मैं सुबह में 1 घंटे भले रिवीजन के लिए निकलता था, पर मेन मेरा प्रैक्टिस था क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मुझे वही लगता है कि मेंस में थोड़ा फायदा किया, क्योंकि पिछले दोनों अटेम्प्ट में मेरे सबसे कम मार्क्स मेंस में ही थे। सो यू आर एक्चुअली आई होप दैट कि प्रिपरेशन में दो बातें मुझे ऐसी लगती है जो कि सारे बच्चों को जरूर सुनना चाहिए, और ये सबसे अच्छी बात है कि भाई कंसिस्टेंसी जो है, मतलब जो एक तो डिटर्मिनेशन है कि मैंने जो टारगेट किया है, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम सुधांशु, इजंट इट? यस सर, के डिटरमिनेशन उनका पक्का था कि मुझे तैयारी करना ही करना है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो भी वक्त मिला, जितना भी वक्त मिला उसमें उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, और इसमें खास जो इनपुट है जो अभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए,
के क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत मायने रखता है। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरा एक सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्या एक बार करें, दो बार करें, और क्या प्रीलिम्स के पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन भी बनाया जाए? सर, मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था कि मेरा टारगेट था कन्वेंशनल का, पर प्रीलिम्स के पहले या फिर जब मैं गेट भी दे रहा था तब भी एक डेढ़ दो महीने पहले से मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा था। मैं दो महीने पहले तक, जैसे दिसंबर के मिड तक या दिसंबर स्टार्टिंग तक मैं कन्वेंशनल प्रैक्टिस करता था, पर दो महीने मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए देता था, क्योंकि उसका भी एक प्रैक्टिस का थोड़ा अलग है। आपको अगर क्वेश्चन बनाने आते हैं पर उस टाइम में बनाना भी एक अलग अपने में कला है, काट है कि आप उस जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हैं। मेंस का अपना एक तरीका है, प्रीलिम्स का अपना एक तरीका है, कंसेप्ट दोनों में सेम है पर कैसे अप्रोच करना है, मुझे लगता है उसके लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक महीना अगर उसका प्रैक्टिस करें सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए तो वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि थ्योरी तो दोनों में सेम है और एक महीना डेढ़ महीना काफी है। एक महीना डेढ़ महीना, जैसे अभी फरवरी में एग्जाम होने वाला है तो अभी आप मिड दिसंबर से या लास्ट दिसंबर से दे सकते हैं डेढ़ महीना उसके लिए डेडिकेटेड, और इसमें कुछ इसमें तो इतना वो डिमांड भी करता है एग्जाम। तो अपकमिंग डेज में मुझे लगता है ये बेहतर स्ट्रेटेजी है। इनफैक्ट नॉट फ्रॉम योर साइड ओनली, ऑल द रैंकर्स हु वी हैव इंटरव्यूड अर्लियर मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड दिस, हमने ये सुना है कई बार कि आप इनिशियल स्टेज में कन्वेंशनल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करें, आखिरी के समय में आते हुए जब आप आखिरी के पड़ाव में आए, आखिरी के दो महीने जब बचे हों, उस समय ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान दें, उसको बनाने में आप ज्यादा एफर्ट। यस सर, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ साथ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और सिर्फ एक्यूरेसी ध्यान देना है पर उसके साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होना चाहिए, तो टाइम मैनेज करना मेंस से थोड़ा सा अलग है, ये उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। मेरा मैं आपको सर बताता हूँ, मेरा भी ऐसे ही हुआ था गेट में, मैंने जब पहली बार दिया था तो मेरा उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं थे और मेरे कैलकुलेशन में बहुत सारे मिस्टेक हुए थे, जो मैं अभी जो बच्चे दे रहे हैं मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगा। मेरे साथ जो हुआ था ये, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था इसके लिए, मुझे लगा था कि मैं मेंस कन्वेंशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बाद इसके प्रैक्टिस नहीं करूंगा, थ्योरी तो सेम ही है तो बन ही जाना चाहिए। और वहां पर जब मैंने बनाना चालू किया तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस ज्यादा की नहीं थी, और गेट का एक और भी चीज है कि कैलकुलेटर रूम का अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है वहां पहली बार यूज करना। बिल्कुल नहीं, ये गेट में नहीं है, ये मुझे लगता है हर जगह है। कई बार क्या होता है जो बच्चे थोड़ा सा थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जस्ट मैंने कवर अप कर लिया और न्यूमेरिकल्स मैंने थॉट कर लिया कि इस प्रोसीजर में बनना चाहिए, तो वो फिर छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, उसमें जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो रह जाता है, और वो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रह जाता है वो आपको दो एंड पे प्रॉब्लम करता है। आप वहां एग्जाम के प्रेशर में मिस कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दूसरा आप कैलकुलेशन ना करने की वजह से लंबे समय तक आपकी स्पीड भी कम हो सकती है। So, मुझे लगता है कि जब भी प्रिपरेशन करें, क्वेश्चन बनाए, उस समय पे पूरा ही कंप्लीट तौर पे आंसर को कैलकुलेट करके लेके आया करें, ये प्रैक्टिस आपको हमेशा हेल्पफुल आंसर लाना, यही मैं बोलना चाह रहा था। मेरा दो बार मैंने जो ईएससी का एक बार मेंस तक गया, एक बार इंटरव्यू तक गया, दोनों बार मेरे सबसे जो नहीं होने का कारण था वो मेंस ही था, और मेंस में नहीं आने का मेरा ये था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने थ्योरी सारा पढ़ ली है, ये तो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे नहीं, ये तो बड़े क्वेश्चन पूछेंगे, थ्योरी अगर मुझे पता है तो मैं बना ही दूंगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे क्वेश्चन आ रही है और मुझे आग के सामने से छोड़ना पड़ा था, और अगर क्वेश्चन नहीं आए और अपना बना के आए तो वो फिर भी उतना नहीं होता, ठीक है मैंने पढ़ा नहीं था, तैयारी नहीं की थी, पर आता हुआ क्वेश्चन अगर छूट जाए तो सब उससे बुरा कुछ नहीं होता, तो मुझे लगता है ये चीज नहीं आनी चाहिए। हाँ, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए थे सर? अराउंड 320 आने चाहिए, मतलब अभी तो नंबर नहीं आया शायद, पर 320 मतलब जस्ट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अभी नंबर तो आया नहीं है, बट 320 वाज एक्चुअली वेरी हाई मार्क्स, गुड मार्क्स। सर मेरा इसमें एक चीज है कि मैंने जीएस मेरे लिए थोड़ा सा फायदा कर जाता है, क्योंकि मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की है, तो जैसे जो एनर्जी एंड एनवायरमेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स टॉपिक है, करंट अफेयर्स है, तो इसमें मेरा थोड़ा जीएस में स्कोर आ जाता है, मेरा पिछली बार भी हुआ था, तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। पर मैं जीएस में भी एक चीज बोलना चाहूंगा सबको कि जीएस ऐसा टॉपिक है कि बहुत डाइवर्स है उसमें, मतलब चीजें पिछले कुछ साल से, दो तीन साल से तो और भी थोड़ा डाइवर्स ही पूछ रहे हैं वो, तो उसमें स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप दो तीन ऐसा टॉपिक पकड़े जो आपको पूरी तरह से पता हो। जैसे मैंने वही किया, मेरे लिए मेरा आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये ऐसे टॉपिक है जो मेरे उतने स्ट्रांग नहीं है, तो मेरी जो स्ट्रांग थी करंट अफेयर्स, इथिक्स, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, मैंने इस पे पूरा काम किया,
ओके एटलीस्ट जो मेरे जो मुझे आता है उनमें मुझसे ना छूटे, मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाऊँ, और जो नहीं आता है, और वैसे भी जो जीएसपी पेपर वन होता है उसमें 200 में 100 120 अच्छे मार्क्स है, तो पूरे स्कोर भी नहीं करने, उतने स्कोर करने हैं एक प्लानिंग के साथ, और सब चीज पढ़ने के चक्कर में फिर वो लास्ट में ऐसा होता है कि नया नया चीज पढ़ने के चक्कर में एग्जाम से एक हफ्ता पहले नया चीज पढ़ रहा है, तो जो चीज पढ़ा है वो भी भूल जाता है। तो एक ये है कि जितना पढ़ा है उतना ज्यादा अच्छे से पढ़े, मतलब फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, जो चीज पता है वो इतने अच्छे से पता है कि उसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट कर जाए। जीएस के लिए मेरा एक्चुअली भी जीएस के लिए जो बच्चे परेशान होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जीएस डाइवर्सिफाइड है, साथ में कुछ ऐसे पोर्शन से जीएस के जो वो कवर आराम से कर सकते हैं, राइट? हाँ, जैसे एनर्जी एंड एनवायरमेंट फिजिक्स, इससे ज्यादा बाहर से नहीं पूछा जाता। यस, मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिक्स एप्टी हो गया, ये सारी चीजें। यस, और मुझे एक तो लगता है कि करंट अफेयर्स, तो जैसे मेरा एक ये है कि मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हम अभी क्या करते हैं लड़के, कि जैसे अगर एग्जाम है तो उसके एक महीना पहले से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मतलब जिनका अभी कोचिंग का आता है ये, फिर मुझे लगता है करंट अफेयर्स तो ज्यादा बड़ी स्ट्रेटेजी है कि आप डेली एक पेपर पढ़ लो, वो ऐसे जनरल न्यूज के लिए भी सही है, और उससे क्या होती है कि मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन आती है आपने नहीं भी पढ़ा है पर आपने पेपर डेली पढ़ा है तो थोड़ा सा स्ट्राइक कर जाता है, आप ऑप्शन वो छांट सकते हो, चार में से ये दो तो नहीं होंगे, तो थोड़ा सा। और जीएस पेपर वन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गेस वर्क आपका होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप पूरी चीजें पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो आपने एटलीस्ट आपको ऐसा है कि चार में दो ऑप्शन आपको पता है कि ये तो नहीं होंगे या इन्हीं दोनों में से होगा, तो आपके ज्यादा बेटर चांसेस हैं उसको सही करने के। एक और बात मुझे एक और बात मैं स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है मेरा, हो सकता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मैं कुछ रियल डाटा की वजह से बताना चाहूंगा। लास्ट टाइम अभी जो हमने लास्ट टाइम नहीं इसी बार जो फिफ्थ या सिक्स रैंक आया है, ही गॉट अराउंड टू, मैं भूल गया उसका नंबर, वो उसने कहा अप्रोक्सीमेटली 260-250 के बीच में, तो प्रीलिम्स का 250-260 के आसपास आने के बावजूद ही गॉट फिफ्थ और सिक्स रैंक, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन में हूँ। और एंड यू एक्चुअली गॉट 320 इन प्रीलिम्स, देन यू गॉट सेकंड रैंक। सो जो बच्चे अगर प्री में कम भी थोड़ा हो जाता है, यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि थोड़ा कम जो हो जाता है प्री में उससे घबराने की जरूरत नहीं है, स्टिल यू हैव अ चांस एंड यू हैव अ गुड चांस एक्चुअली। लेकिन अगर आपको प्री में ज्यादा नंबर आता है देन यस यू कैन मैक्सिमाइज इट, दैट इज द वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। प्री में एक ऐसे भी कैंडिडेट को मैंने देखा कि अच्छा खासा नंबर प्री में रहते हुए ही एक्चुअली वॉज नॉट गॉट सिलेक्टेड, दैट वॉज टू सैड टू नो। बट प्री में अगर आपको नंबर ज्यादा आया है तो इट विल प्रोवाइड यू द एड ऑन एडवांटेज, बट एट द सेम टाइम अगर प्री में थोड़ा कम भी है देन यू शुड नॉट यू नो लूज द होप, यू हैव अ गुड चांस, यू कैन डू इट, राइट? सर आई थिंक जो थ्री एग्जाम लेता है यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, उनका मकसद ही यही है कि अगर एक थोड़ा सा खराब भी हो तभी आपके पास चांस बना रहा है, और आपने एक अच्छा भी कर दिया है तो ये ना आपके अंदर है कि मैंने एक अच्छा कर दिया तो मेरा हो ही जाए, आपको वो कंटिन्यूस मेहनत करना है, बिल्कुल सब में बढ़िया करना है, बढ़िया करने के लिए। तो ये दोनों चीजें हैं इसमें। यू हैव अपीयर्ड आई थिंक, हेलो, यस सर, यू हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू आई थिंक टू टाइम्स, राइट? यस सर, दिस वाज माय सेकंड टाइम। दिस इज योर सेकंड टाइम, दैट्स व्हाट आई, सो कैन यू शेयर योर यू नो एक्सपीरियंस विद द यूपीएससी ईएस इंटरव्यू? ईएससी इंटरव्यू इज मोर टेक्निकल ओनली, जैसे इस बार मेरे साथ क्या हुआ था कि इन्होंने बीटेक से पूछा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस भी था और पीछे जॉब एक्सपीरियंस भी था और मुझे बीटेक किए 5-4 साल हो गए थे, तो मुझे लगा था कि जॉब से पूछेंगे या फिर है, पर इस बार मेरा बीटेक से चला, और जितने भी मेरे दोस्त हैं सबसे यही हुआ कि पिछले 2-3 साल से मैंने 2021 में भी दिया था, उस साल भी टेक्निकल। सीएससी और ईएससी के इंटरव्यू में यही है कि ईएससी का अराउंड 80-90% इंटरव्यू विल बी ऑन टेक्निकल ओनली, जैसे चेयरमैन, एक चेयरमैन होते हैं और 3 टेक्निकल पर्सन होते हैं जो हमारे एग्जाम, उसमें चेयरमैन ज्यादा से ज्यादा सबसे 1-2 सवाल, इस बार का जो जनरल ट्रेंड था कि 1-2 सवाल पूछ रहे थे और जनरल जस्ट टू मेक अस कंफर्टेबल, उसके बाद बाकी सारे मेंबर्स टेक्निकल ही पूछ रहे थे, तो टेक्निकल ही इंटरव्यू चलता है। और मुझे लगता है कि उनका डिफरेंस ये होता है कि वो आपकी थ्योरी देख चुके होते हैं, अपने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके आए हैं तो वो उन्हें पता होता है कि थ्योरी ठीक है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करते हैं कि आप जो पढ़ के आए हैं उसको आप कहीं अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। Yes. और इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब जैसे मेरा भी क्या है कि मैं थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा बोलना थोड़ा मतलब मेरा स्पोकन थोड़ा सा वैसा था कि उतना सही नहीं हो पाता था, तो इसके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है मॉक देने का,
मैंने इस बार 4-5 मॉक दिए, थोड़ा किया, और मुझे लगता है कि उससे मुझे काफी फायदा हुआ। पिछली बार मैंने बिना किसी मॉक के इंटरव्यू इंटर किया था, और पहला मेरा पहला ही इंटरव्यू सीधा फाइनल इंटरव्यू था। तो बहुत सारे मतलब ऐसी गलतियां हो गई थी जो नहीं करनी चाहिए थी। क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें ये बोलना है, पर जब हम सामने बैठते हैं उनके सामने तो कुछ और ही निकल जाता है। तो वो तभी मालूम पड़ता है जब हम पहले से मॉक दिए हुए हैं, तो पता चलता है कि नहीं नहीं ये नहीं बोलना था, ये नहीं। तो ये चीजें हैं मॉक, और दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिल्कुल, जो पढ़ रहे हैं उसको, जैसे अगर जॉब में ही है तो जैसे मेरा एक दोस्त भी साथ में ही है मथुरा रिफाइनरी का, उसका भी हुआ है, हम लोग भी आईओसीएल मथुरा रिफाइनरी में, तो वो सिविल मेंटेनेंस में है। तो उससे उन्होंने पूछा, जैसे यहाँ पे रिफाइनरी में है तो टैंक का काम, उन्होंने पूछा कि टैंक का फाउंडेशन कौन सा होगा, और फिर उसी से थोड़ा प्रैक्टिकल पूछने लगे। तो वही होता है कि वो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करते हैं कि जो आपने पढ़ के आया उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, एक्चुअली मॉक टेस्ट, वही मैं बता रहा था कि मॉक टेस्ट इंटरव्यू भी नहीं, हर एक स्टेज में डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की कैपेसिटी और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर प्री के लिए, मेंस के लिए कोचिंग के थ्रू पढ़ाना उन बच्चों को जिनको शॉर्ट टाइम में एक प्रॉपर कवरेज ऑफ द सिलेबस करना है और एक ढंग का नॉलेज लेना है, इज वेरी नेसेसरी। फिर साथ में हम फिर उसके बाद फिर कन्वेंशनल काम स्पेशली डिजाइन करते हैं जिनमें जिसमें जो बच्चे कन्वेंशनल से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी हो जाती है, वरना वो मिस आउट कर जाएंगे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड स्टेज में आता है आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू में फिर हम इसीलिए मॉक टेस्ट भी अरेंज करते हैं ताकि वो भी एक पहलू हमारा रह नहीं जाए, जहां पे हम स्टूडेंट्स को हर एक एंड पे सपोर्ट करना चाहते हैं। So, after that, I would like to ask one more thing, Sudhanshu, कि ये जो time period था, इसमें कोई ऐसा time period था जो बड़ा downfall वाला आपके लिए रहा हो, बड़ा sad period हो, फिर भी आपने वहाँ पे cope up किया हो अपने आप को? Sir, सबसे पहला तो मेरे लिए उसी टाइम था जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब मैंने जॉब छोड़ा पीडब्ल्यूसी और मैंने इधर आया, उसी टाइम कोविड आ गया और सारे एग्जाम डिले हुआ। तो ऐसा हो गया था कि बीच में मुझे एक 1.5 साल मतलब रूम पे बैठना पड़ गया, कोई एग्जाम भी नहीं हो रहा है और जॉब भी मैंने छोड़ दिया है, और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि घर से ही था, ना कोचिंग कर पा रहा था। तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब सही किया नहीं किया छोड़ के, इस टाइम पे जॉब छोड़ना चाहिए था नहीं छोड़ना चाहिए था, एग्जाम कब होगा पता नहीं। पर मुझे लगता है कि घर का सपोर्ट, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी तैयारी करते हैं इसमें एक और चीज होता है कि आप किस सर्कल में है, फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत ही डिमोटिवेटिंग फील करेंगे। ये एग्जाम जो है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक साल का तो एक एग्जाम, अगर आपने एक बार भी एक गलत किया तो फिर एक साल पीछे हो जाते हैं, फिर से देना पड़ता बिल्कुल, है बिल्कुल। और वो बहुत ही मुश्किल, तो मेरे फ्रेंड्स भी मतलब सर्कल में काफी मोटिवेट किए ये कि मतलब ठीक, और मुझे उन्हें भी देख के मुझे लगा कि नहीं ठीक है ये भी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, सब लोग अपने जो मेरा ड्रीम है उसको करना चाहिए। तो आई थी, और दूसरा बार एक बार और गेट के बाद मेरे साथ हुआ था, तो उससे मुझे ये सीख मिली थी कि कैलकुलेशन का, कि मतलब अगर मेरा ऐसा था कि मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मेरे कैलकुलेशन सही है, तो मैंने उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया कि एग्जाम में तो हो ही जाएगा, मुझे पता है तो हो जाएगा, पर वो काफी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा मेरे साथ पहले बार गेट अटेम्प्ट में। तो दो मतलब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होना किसी पर्टिकुलर मैटर पे, ये थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ कुछ बातें तैयार, अगर आपको कैलकुलेशन में आता भी है तो जैसे वो बोलते हैं ना कि एग्जाम में अगर आ भी रहा है फिर भी एक बार कैलकुलेटर से थोड़ा श्योर हो जाए वो कर लेना है, बिल्कुल ऐसे रिस्क पे नहीं छोड़ देना है, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम में क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे जगहों पर दिमाग काम कर रहा होता है, तो थोड़े से उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो श्योर होना, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, पर अगर क्वेश्चन सही बन जाए वो ज्यादा मैटर करता है, खासकर ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, क्योंकि वहां तो आंसर के ही सारे मार्क्स होते हैं, आंसर सही आया तो सही है, नहीं आया तो पूरा नंबर कट गया। और वैसे तो फिर भी प्रिपरेशन के दौरान, यस सर, प्रिपरेशन के दौरान या जॉब और प्रिपरेशन दोनों मिला के इस जर्नी में बेसिकली आप एंटरटेनमेंट या वगैरह कुछ अपना कभी टाइम स्पेंड करना चाहते थे पढ़ाई के अलावा, तो कैसे स्पेंड करते थे? मेरा मोस्टली क्रिकेट ही है, मैं क्रिकेट देखता हूँ, मतलब खेलता थोड़ा कम हूँ, क्रिकेट देखता हूँ। तो मेरा ऐसा रहता है कि मतलब ठीक है अपना शाम में आया तो 1.5 घंटे थोड़ा, जैसे यहाँ भी रिफाइनरी से है कि 5-5:30 में आया तो अपना थोड़ा देर फील्ड में चले गए घूम लिया, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा, तो जॉब के साथ तो और भी होता है, थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा मुश्किल डेली 5 घंटे निकालना। यस, योर साउंड इज नॉट कमिंग। सो सुधांशु, बेसिकली
दिस इज गुड एक्चुअली बाई लिसनिंग के भाई आपने सेक्रीफाइस भी किया, और मुझे लगता है कि बच्चों को कुछ अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपने को कुर्बानी देनी ही पड़ती है, और मुझे लगता है सर इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई को एज ए बोझ लेके चल रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बेटर लाइफ के लिए कर रहे हैं, अपने गार्जियन के बेटर लाइफ के लिए कर रहे हैं, तो इसको भी एज ए एंजॉयमेंट लेके पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं, क्योंकि जॉब में ऐसा होता है कि बहुत बार जॉब के भी टेंशन आते हैं, ये भी होता है, तो टेंशन से नहीं करना है। मैं आने वाले को लिए भी बोलना चाहूंगा कि इसी प्रोसेस को एंजॉय करके पढ़े, क्योंकि आप इसे करेंगे तो इसमें भी एंजॉयमेंट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर आप इसको टेंशन लेके करेंगे तो काफी कई कई बार चीजें बहुत दिक्कत आ जाती है। वेरी नाइस मैसेज सुजांशु इज गिविंग टू ऑल ऑफ द यू नो प्रिपरेंट्स कि ये जर्नी को एंजॉय करें और बिना टेंशन लिए अपना मेहनत पूरा करें, अगर मेहनत पूरा नहीं करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, राइट? सो वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सुधांशु, एंड थैंक यू फॉर सो मच ऑफ यू नो शेयरिंग योर यू नो प्रिपरेशन जर्नी विद ऑल ऑफ अस। Thank you very much, and once again, congratulations from Ice Master team. At the same time, we wish you all the best for your, you know, future and your career. Thank you, sir. Thanks a lot, sir.